हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकेदार मंजूस किचन। आज हम बनाने वाले हैं वेज रोल। इसे आप रोटी रोल या वेज फ्रेंकी भी कह सकते हैं। अपने आप में यह एक कंप्लीट मील है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और कई तरह के सॉस फ्लेवर्स का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज रोल। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियों को पतला स्लाइस में कट करके लिया है और एक टमाटर को रोस्ट कर लिया है। इससे हम टमाटर की चटनी बनाएंगे और इस रोल में जो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि घर में बनी हुई चटनी का इस्तेमाल करूँ। तो आप चाहें तो मार्केट का जो रेडीमेड चटनी आती है जैसे कि ग्रीन चिली सॉस या फिर रेड चिली सॉस, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक टमाटर को रोस्ट करके कट करके मैंने यहाँ पर जार में डाला है। आप इसमें डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, तो हरा धनिया से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डालेंगे ग्रीन चिली और गार्लिक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर में ज़्यादातर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ या सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच दही। इससे चटनी में बहुत ही अच्छी खटास आती है और बहुत महीन सा पीस लेंगे। और दूसरी जगह पर मैंने एयर फ्रायर में कुछ फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर लिया है। एयर फ्रायर में जो है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे क्रिस्पी होकर के बाहर निकलती हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एयर फ्रायर का ही इस्तेमाल करना। तो सब्जियाँ मैंने वही ली है जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। चिली मेयो लिया है मैंने, मेयोनीज सॉस आप सिंपल सा भी ले सकते हैं, चटनी भी रेडी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं वेज रोल। तो यहाँ आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टॉर्टिया शेप वेज रोल बनाने के लिए। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही पतले पतले और साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं जो कि रोल के लिए बेस्ट होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर खाने से पहले इसे हल्का सा सेक लिया जाए तो रोल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तवे पर दो चार बूंदे ऑयल की, रिफाइंड ऑयल या फिर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन घी में भी आप इसको सेक सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और रोल जो बनकर के तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा टेस्ट आता है अगर ये हल्का सा सेका हुआ रहता है। तो देखिए इसी तरह से हम सारे जो शीट्स हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से घर पर कैसे ये शीट तैयार कर सकते हैं तो आप उसकी रेसिपी वहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह से हमने सारे जो रैपिंग शीट हैं उनको हमने सेक करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारी सारे जो रैपिंग शीट हैं वो अब तैयार हो चुकी हैं, तो अब आगे चलते हैं रोल बनाने के लिए। अब जो है इसके ऊपर हम सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम चटनी लगाएंगे और चिली मेयो का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी उसे भी हम लगाएंगे। और या मतलब कि आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप मेयो के साथ में चटनी अगर खाना पसंद करते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं इसको आप। और साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ चिली टोमेटो सॉस और लेटस को बारीक कट करके लिया हुआ है। इसके ऊपर डालेंगे फ्राई किया हुआ फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो बाइट्स। तो ये मार्केट में पोटैटो बाइट्स फ्रोज़न वाले आते हैं, वही हैं जो मैंने इसको सिर्फ फ्राई कर लिया है। स्लाइस किया हुआ अनियन डालेंगे और डिपेंड करता है कि आप और इसमें जो भी प्रेफर करते हैं, आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पर डालें। तो यहाँ मैंने लेटस के साथ में अनियन, टमाटो लिया है, ग्रीन चिली एंड कैप्सिकम भी लिया है मैंने। तो कैप्सिकम भी जो है कच्चा खाया जाता है, एज ए सैलड हम तो यूज़ करते ही हैं। साथ ही यहाँ पर मैं सीजनिंग के लिए डाल रही हूँ चाट मसाला और मैंने ग्रीन चिली भी डाला है। अगर आप स्पाइसी प्रेफर करते हैं तो ग्रीन चिली ज़रूर डालें और हल्का सा सॉल्ट। अब इसे हम पहले दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये साइड से निकले नहीं और एक टाइट सा हमने इसको रोल कर लेना है जिससे कि ये बिल्कुल भी लूज ना हो। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल टाइट रोल बना लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे खा सकते हैं और अगर चाहें तो इसको वापस से
तवे के ऊपर सेक करके हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है, जिससे कि बाहर की जो इसकी परत है थोड़ी क्रिस्पी हो जाती, तो वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप चाहे तो सेक करके भी खा सकते हैं या बिना सेके भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये जो रोल हमारा है बन करके तैयार है, बहुत ही हेल्दी रोल है, काफ़ी डिलीशियस है, अमेजिंग सा टेस्ट है इसका। और ये काफ़ी हैवी होते हैं, एक या दो रोल से आपका डिनर या फिर लंच कंप्लीट हो सकता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की ये रेसिपी। फिर मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।